नमस्कार, मैं खुशबू। प्राइम न्यूज 24 में बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, डीएसपी समेत 8 शहीद। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने AK-47 से गोलियां बरसाई। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के विक्रू गांव की घटना है, जहां राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड में आरोपी के घर राज दबिश देने गई पुलिस पर हमला हो गया। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा। इस घटनाक्रम में बिल्होर के सीओ देवेंद्र मिश्र, शिवराजपुर के एसओ महेश यादव, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए। इसके अलावा 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी HC अवस्थी ने कहा कि विकास दुबे के खिलाफ कुछ दिन पहले हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी। जैसे ही फोर्स गांव के बाहर पहुंची तो वहां JCB लगा दी गई थी। इस वजह से फोर्स की गाड़ी गांव के अंदर नहीं जा सकी। डीजीपी HC अवस्थी ने बताया कि गाड़ी अंदर नहीं जाने के कारण पुलिसकर्मी गांव के बाहर ही उतरे, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। बदमाश ऊंचाई पर थे, इस वजह से पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। प्राइम न्यूज 24 के लिए कानपुर ब्यूरो की रिपोर्ट।